हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है हरे छोलिए की चटनी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हरे छोलिए की बनाने के लिए। ये हमने एक छोटी कटोरी हरा छोलिया लिया है और ये हमने 5 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 हरी मिर्च ली हैं और ये हमने धनिया लिया है, राई 1/2 चम्मच और 2 हमने साबुत लाल मिर्ची ली है और ये हमने 2 बड़े चम्मच दही लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक मिक्सी का जार लिया है। सबसे पहले मैं इसमें ये छोलिया डाल दूंगी और साथ ही मैं ये दही भी इसमें डाल दूंगी, ये अदरक का टुकड़ा, ये मैं अदरक का टुकड़ा भी इसी में डाल दूंगी इसके 4 टुकड़े करके, और लहसुन भी, और ये 5-6 हरी मिर्च, और साथ ही मैं ये खूब सारा धनिया डाल दूंगी और नमक डालूंगी। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे इसमें और इसमें हम 2-3 बूंद पानी की डाल देंगे। और अब हम इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे इसे। और ये हमारी चटनी पीसकर तैयार हो चुकी है। मैंने एक सॉस पैन लिया है। अब इसमें मैं 1 छोटा स्पून ऑयल डालूंगी। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें राई और ये सूखी लाल मिर्ची डाल दूंगी। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और राई और मिर्ची भी चटक चुके हैं। अब मैं इसमें ये किसी भी चटनी डाल दूंगी और इसे हम 1 से 2 मिनट इसी प्रकार से भूनेंगे। हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व कर दूंगी। ये हमारी छोले की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।